जनाब इसका बिल बनाए। एक सौ पचास। एक घंटे बाद दूसरा बंदा भेजना। एक घंटे बाद तूने जाना है। हाँ, सिर्फ 4,000। पहले तो 10,000 देता था। उसकी कोई मजबूरी होगी, तू टेंशन ना ले, मैं ही 10,000 ले आऊंगा। स्टोर लगा के तूने ठीक किया, अब तू नोट छाप रहा है। भाई जान, मैं तो नुकसान में जा रहा हूँ। मेडिकल स्टोर और नुकसान? भाई मैंने भी ऐसे ही सोचा था, लेकिन मैं तो खसारे में जा रहा हूँ। अच्छा, दिल छोटा ना कर, अल्लाह बेहतरी करेगा। फिलहाल चाहे तो मंगवा। 2 घंटे बाद। अबे सेठ कहाँ गया? पास वाली दुकान पे। आए हाय, आज तेरा भाई सारा माल उठा लेगा। जिस दिन सारा माल उठाएगा ना, सेठ को पता चल जाएगा। ज्यादा लालच ना कर, इज्जत से वही 3-4 हजार उठा। एक तो तू डरता बहुत है, कछुए तेरा मसला क्या है? अबे बस कर दे, भीगी बिल्ली ना बन। अबे 1 घंटे का बोला था, कहाँ मर गए थे? घड़ी खराब थी, टाइम का पता नहीं चला। 300 ऐड कर। अगर सेठ ने किसी दिन कैमरे चेक किए तो मैं सीधा जेल होगी। कैमरे तो मैं खुद चेक करता हूँ। सेठ को मुझ पे अंधा एतबार है, और मैं इस एतबार का पूरा पूरा फायदा उठाऊंगा। अगले दिन। हाँ काम हो गया। हाँ शाहजेब ने पैसे दे दिए। जल्दी निकल, सेठ पहुँचने वाला है। मैं भी सो तू, ये बंदा रोजाना सिरप लेने क्यों आता है? मुझे जरा आज की सीसीटीवी फोटेज दिखाओ। सेठ थोड़ा काम रहता है, कर लूं शाम को, मैं आपको सारी फोटेज चेक कराता हूं। क्या मतलब, अभी चेक कराओ? सेठ शाम तक कराता हूँ, थोड़ा काम बचता है। हाथ हटा। अच्छा तो ये हैं तुम दोनों के कारनामे। सेठ गलती हो गई, माफ कर दें। अब जो भी बात होगी पुलिस स्टेशन में होगी। दोस्तों अगर कोई आप पे एतमाद करता है, बजाय उसका एतमाद तोड़ने के, आप कोशिश करें उसका एतमाद भरोसा कायम रखें।